देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री लोगों को सुविधाएं प्रदान करने की बजाय रोजाना इस किस्म की योजनाएं बनाते हैं जिससे आम आदमी रोज परेशान हो, दुखी हो। वहां पे आप इनको वाटर से एक ट्यूबवेल लगा करके दो ताकि इनके पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाए। उस अधिकारी ने मुझे भी दूसरों की तरह समझ लिया, जैसे यहाँ के लोकल MLA का टेलीफोन सुन तो लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर का फोन तो सुन लेते हैं लेकिन उनकी बात को अनसुना करने का काम करते हैं। उन्होंने मेरे बारे में भी शायद ये सोच लिया उस अधिकारी ने कि आज बैठ करके टेलीफोन किया तो कल चला जाएगा, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। मैंने उसी वक्त उसकी भाषा को भांप लिया था। शाम को जब मैं जींद पहुंचा तो जींद पहुंचने के बाद मैंने उसे अपने आवास पे बुला लिया और बुला करके उसको हिदायत दे करके गया था कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर पानी की व्यवस्था तेने नहीं करी तो मैं यात्रा बीच में छोड़ करके आऊंगा और उस नहर की कुड़ी के अंदर तेरी गर्दन दबा करके छोड़ करके आऊंगा। उस अधिकारी को मेरी भाषा समझ आ गई और मेरे ख्याल 10 दिन तो लगे ही नहीं होंगे, मात्र एक हफ्ते के अंदर साफ, एक हफ्ते में पीने के पानी का बंदोबस्त हो गया। सत्ता में बैठे लोग जो काम 4 साल में नहीं करा सके उस काम को एक हफ्ते में करा करके देने का काम किया। आज जो मौजूदा सरकार है ये लोगों के हितों की सरकार नहीं, ये तो झूठ और लूट की सरकार है, दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है प्रदेश में। आज किसी भी व्यक्ति से अगर जाकर के आप पूछते हो, जिन लोगों ने बड़े बड़े वायदे आपके बीच में किए थे, जो कहते थे पेंशन अकाउंट 100 रुपए करा देंगे और जो ये कहते थे कि किसान जब फसल बेचने जाएगा 200 रुपए बोनस के रूप में देंगे, अनेक इस किस्म के वायदे किए थे, जो ये कहते थे 75% पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे, जुलाना के लोगों ने उन पर विश्वास किया, भरोसा किया और आपने यहाँ से उनकी पार्टी का MLA बना दिया। जो ये कहते थे कि हम भाजपा को सत्ता से दूर कर देंगे, आपने उन लोगों पर विश्वास करके उनको जिताया, जिताने के बाद उन लोगों ने सबसे पहले भाजपा की गोद में बैठ करके जिन लोगों को सत्ता से बाहर प्रदेश के लोगों ने किया उनकी सत्ता बनाने का काम किया। आज ऐसी हालत मैंने प्रदेश के अंदर देखी कि जिस हरियाणा प्रदेश का बच्चा अपने गांव में माँ बाप के साथ रह करके अपनी कमाई करता था, अपने माँ बाप की सेवा करता था, अपने प्रदेश का नाम आगे बढ़ाता था, आज वो नौजवान बच्चे मायूस होकर के गांव छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके, देश छोड़ करके विदेश जाने लगे। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से 20, 30, 50, 100 बच्चे विदेश।